सो हेलो एवरीवन, ये है रिलायंस के क्वार्टर टू के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस शेयर के रिज़ल्ट यहाँ पर कैसे रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो 2,35,693 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 2,38,797 करोड़ यहाँ पर हो गया है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। टोटल एक्सपेंसिस ईयरली बेसिस में 2,15,457 करोड़ था, क्वार्टरली बेसिस में 2,12,304 करोड़ यहाँ पर हो गया है। यानी इनकम बढ़ी है लेकिन जो शेयर के एक्सपेंस है वो डिक्रीज हुए हैं। टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है यहाँ पर 4,493 करोड़ थी, जो क्वार्टरली बेसिस में 9,831 करोड़ यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो इंक्रीज हुई है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 9.98 रुपये था, अब जो है 16.56 रुपये के अराउंड यहाँ पर हो गया है। तो ओवरऑल एनालाइज करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे हैं। इस मंथ तक का जो शेयर का मैक्सिमम टारगेट है आपको यहाँ पर 2,300 रुपये के अराउंड तो वैसे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है और आप शेयर को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क में इस शेयर को आप जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड करके रख सकते हैं।